हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्रैवल ब्यूटीफाई एंड लाइफ एक्टिविटी से आपको एक हेयर ऑयल बनाना बताती हूँ। आप बाज़ार से अच्छे ब्रांड से भी ख़रीदेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी होगा, फिर भी उसके बावजूद आपको क्वालिटी का पता नहीं होगा। तो ये हेयर ऑयल हम घर में बनाएंगे जो बालों को मज़बूत, घना, लंबा करता है और बालों को सफ़ेद और ग्रे होने से बचाता है। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रोज़मेरी ऑयल, ये आपको किसी भी स्टोर से ईज़िली मिल जाएगा और ये बालों को ग्रे वाइट होने से बचाता है। प्याज छोटा अदद एक, और इसमें एंटी बैक्टीरिया होता है और ये बालों को मज़बूत बनाता है। मस्टर्ड ऑयल, जिसे आप सरसों का तेल कहते हैं, 250 ml, और ये विटामिन ए के 4 कैप्सूल्स आपको चाहिए। ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर लें और एक जार को साफ़ करके आप रख लें ड्राई करके, क्योंकि उसमें हम ऑयल सेव करेंगे। सबसे पहले आपने फ्राई पैन लेना है, फ्लेम ऑफ रखना है। इसमें आपने 1/4 सरसों का ऑयल डालना है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज छिलके के समेत कटिंग करना है, अगर चॉप कर लें तो बेस्ट है। फिर इस ठंडे ऑयल में आपने प्याज डाल देना है और लाइट फ्लेम पे इसको कुक करना है। आपने ख्याल रखना है कि प्याज ब्लैक या डार्क ब्राउन ना होने पाए, वरना ये अब फ़ायदा नहीं देगा। इसको तकरीबन आपने 30 मिनट के लिए कुक करना है। प्याज का छिलका अपना कलर चेंज कर लेगा, प्याज आपने वाइट रखना है। इसके बाद आपने इसको छान लेना है। जब आप इसको छान लें, अलग कर लें, तो फिर इसमें आपने रोज़मेरी ऑयल मिक्स करना है, 4 विटामिन ए के कैप्सूल्स, और एक जार में आपने रख लेना है। वीक में 4 or 5 times यूज़ करना है, आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए बालों पे लगा रहने दीजिए। उसके साथ बाद आप बालों को वॉश कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेमेडी बहुत ईजी लगी होगी और अप्लाई करें।